नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम गोस्वामी और आप सभी देख रहे हैं बिहार स्टेट टेस्ट बुक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसका प्रश्नावली 3.3 का तीसरे नंबर से सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने 1 और 2 का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से बताया पिछले वाली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो देखिए हमारा ये जो प्रश्नावली 3.3 है इसमें जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3 का 1, ये हमें तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्योंकि प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चन उसी से हल करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण मिलेंगे हमें, दो समीकरण है, एक समीकरण से एक्स का मान निकालना है और उसको दूसरे समीकरण में रखना है, फिर उससे वाई का मान निकलेगा और उस वाई के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के एक्स का मान निकालते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का प्रश्न संख्या 3 का अगर 1 पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और ये जो दो संख्या है इनके बीच दो तरह का संबंध है। पहला संबंध ये है कि उनका अंतर 26 है, मतलब एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से हम घटा रहे हैं तो 26 आ रहा है अंतर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की तिगुनी है। यहाँ पे एक संख्या और दूसरी संख्या से मतलब यह है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, क्योंकि अंतर जब 26 होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कि एक हमारी बड़ी होगी और एक हमारी छोटी होगी। तो इसलिए यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर का हल, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है तो सबसे पहले उसी को मान लेंगे। तो मानेंगे, माना कि अंतर की बात हो रही है तो यहां पे हमें बड़ी और छोटी मानना पड़ेगा। तो यहां हमने क्या माना, माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है, x तथा छोटी संख्या बराबर क्या है, y। यहाँ पे हमने मान लिया बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से हमें क्या कहा जा रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो छोटी में से बड़ी घटाना, 26 तो नहीं आएगा धनात्मक का, तो यहाँ पे हमें बड़ी से छोटी घटाना, तो इसका मतलब x माइनस y बराबर कितना दे रखा है हमें, 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब लिखेंगे तथा, और हमें प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या का मतलब हुआ बड़ी संख्या और दूसरी संख्या का मतलब हुआ छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी दूसरी संख्या की छोटी संख्या की तिगुनी है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें से शब्द का प्रयोग होता है उसी में हम जोड़ घटा गुणा भाग जो भी कहा जाता है वो करते हैं। तो किसमें ये से लगा हुआ है, दूसरी संख्या और दूसरी संख्या का मतलब छोटी संख्या, से या की दोनों का मतलब एक ही है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या बराबर हमारी क्या है, छोटी संख्या का तिगुनी, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x ये 3y हो गया गुणा करने पे और इस साइड आएगा तो माइनस में 3y और बराबर क्या, 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। इससे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 26। ये माइनस वाई उधर जाके किस में बदल गया, प्लस वाई में, तो x बराबर क्या हो गया, 26 प्लस वाई। अब ये जो 26 प्लस वाई हमारा आया x का मान, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में नहीं रखिएगा क्योंकि 1 से ही ना निकाले हम इसको, तो 1 में ना रखते हुए हम किस में रखेंगे, 2 में। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर 26 प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 26 प्लस y माइनस 3y बराबर क्या है हमारा, 0 है। यहाँ पे 26 हो गया, ये प्लस y और ये माइनस 3y, तो एक का चिन्ह धनात्मक है और एक का चिन्ह ऋणात्मक है, तो हम घटाएंगे, 3y में से 1y घटा तो 2y और 2y हमारा प्लस में हो गया माइनस में, तो बड़ी संख्या हमारी 3y, तो 3y के आगे माइनस, तो इसका मतलब ये भी माइनस है, बराबर क्या, 0। अब यहां से हम लिखेंगे 26 बराबर, ये 2y जो माइनस का है उधर जाने का प्लस में बदल जाएगा, तो बराबर क्या, प्लस का 2y।
अब यहाँ से हम वाई का मान निकालेंगे तो वाई बराबर कितना आएगा, 26 बटे ये दो गुना में था इधर आके भागा में चल गया बटे दो बराबर कितना है 13। तो यहाँ से हमें वाई का मान कितना प्राप्त हुआ 13। अब हम क्या लिखेंगे वाई का मान, लिखेंगे वाई बराबर 13 का मान, किसी में भी रख सकते हैं एक में दो में जिसमें आप रखेंगे का मान, समीकरण एक में रखने पर, जब समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक हमारा क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 26 है, ये है हमारा समीकरण। तो एक्स माइनस वाई की जगह 13 बराबर हम लिखेंगे 26, यहां से हम पाएंगे x बराबर 26, ये माइनस 13 इधर जाके किसमें आएगा प्लस 13 में आएगा, तो यहां से x बराबर कितना प्राप्त हुआ 639 और 2 1 3 39 प्राप्त हुआ। तो यहां से हमने x किसको माना था बड़ी संख्या वो 39 आई, और छोटी संख्या y माना था जो कि हमें 13 प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर क्या निकला 39 तथा छोटी संख्या बराबर कितना है 13। यहाँ पे ये दोनों क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक नंबर का सॉल्यूशन था, पूरा हल था। तो अब आपको ये समझ में आया होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 3 के दूसरे नंबर में कहा जा रहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो कोण की बात की गई है और हमें उन्हीं कोण का मान ज्ञात करना है, लेकिन बस एक संबंध हमें दे रखा है कि ये जो हमारा संपूरक कोण है उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब संपूरक कोण, अगर हम बात करें संपूरक कोण की, तो संपूरक कोण क्या होता है हमारा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण का मतलब वैसे दो कोण जिनका योग करने पे कितना हमें प्राप्त हो 180 डिग्री प्राप्त हो। इसका मतलब एक सीधी रेखा पे खींचा जाने वाला जितना डिग्री प्राप्त होता है हमें 180, जिसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसको। यहां से हमने ऐसे लाइन खींचा और अगर यहाँ पे हम बात करें तो पूरा ये हमें कितना है 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है। इसमें से दो कोण खींचना है तो एक कोण हमारा ये वाला हो गया और दूसरा कोण हमारा ये वाला हो गया। इसको हमने मान लिया अपने मन से एक्स है, तो दूसरा वाला क्या होगा दोनों को जोड़ने पे 180 आता है। तो अगर ये x है तो ये दूसरा वाला हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। यही होता है संपूरक कोण, जिनके दोनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री हो। और पूरक कोण मतलब वैसे दो कोण जिनके डिग्री को या उनके कोणों के माप को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हो 90 डिग्री प्राप्त हो, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए हम देखेंगे कि 3 के दूसरे नंबर का हल कैसे करना है हमें। हम लोग देखें प्रश्न संख्या 3 का दूसरा नंबर, यहाँ पे संपूरक कोण की बात की गई है और हमें संपूरक कोण निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक छोटा कोण मानेंगे और एक बड़ा कोण मानेंगे, माना छोटा कोण बराबर हमारा कितना जाएगा x तथा बड़ा कोण हम अब क्या मानेंगे y। देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करना है, इसीलिए हमने एक x माना और दूसरा y माना। ये भी मान सकते थे 180 माइनस x, लेकिन वहां पे एक चर हो जाता है, हमें दो चर वाला समीकरण बना के प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से पहली बात ये कि दोनों कोण संपूरक है, दोनों कोण संपूरक है तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा, ये हमारा समीकरण एक आया। तथा और बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें प्रश्न में आगे क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब हमारा बड़ा कोण क्या है y, y जो है x से 18 डिग्री अधिक है, तो x प्लस 18 डिग्री। तो यहां से निकालेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा x को इधर ही रहने देते हैं y को इधर ही आते हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या माइनस 18 डिग्री, यह हमें समीकरण दो प्राप्त हो। ये कैसे किया मैंने x को यही रहने दिए, y को ये प्लस में था इधर लिया है तो माइनस वाई, और ये प्लस 18 इधर गया तो माइनस 18, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया माइनस 18 डिग्री हो गया। हम लिखेंगे समीकरण
एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 180 डिग्री। यहां से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस y निकलेगा। अब हम x बराबर 180 डिग्री माइनस y, इसका मान हम समीकरण एक से हमने निकाला था, तो हम अब किस में रखेंगे समीकरण दो में रखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 180 डिग्री माइनस y का मान समीकरण दो में रखने पर, हम समीकरण दो में रखेंगे। तो समीकरण दो हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस 18, तो x की जगह हम लिखेंगे 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई यहां से उतरा बराबर क्या माइनस 18। यहां से हम करेंगे तो यहां क्या प्राप्त होगा हमें 180 माइनस वाई जोड़ के माइनस 2y बराबर कितना माइनस 18 डिग्री। यहां से 180 ये माइनस 18 इधर आया तो प्लस 18, और ये माइनस 2y उधर गया तो क्या हो गया प्लस 2y हो गया। 118 और 18 को हम ऐड करेंगे ये तो जुड़ जाएगा, साइन जोड़ लगा हुआ बीच का, तो कितना होगा 198 बराबर 2y। यहां से y बराबर क्या आएगा 198 डिग्री बटे 2 कट गया, तो ये 9 × 2 = 18 99 डिग्री हमारा क्या है y का मान है। तो अब इस y के मान को हम किसी में भी रख देंगे, समीकरण एक दो जिसमें रखना चाहे, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे y बराबर 99 डिग्री का मान किसमें रखने पर समीकरण एक, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में हम रखेंगे, समीकरण एक हमारा क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह हम कितना रखेंगे 99 डिग्री बराबर हमारा 180 डिग्री आया, तो यहां से x बराबर कितना प्राप्त होगा 180 डिग्री माइनस 99 डिग्री। x बराबर 180 में से 99 घटाया, यहां पे एक बचा और यहां पे 81 डिग्री बचा, तो हम क्या लिखेंगे अतः यहीं से हमें कोण प्राप्त हो गए, हमने छोटा कोण x माना था और बड़ा कोण y, तो बड़ा कोण जो y माने थे हमने उसमें y बराबर 99 डिग्री आया और x बराबर 81 डिग्री आया, तो हम क्या लिखेंगे अतः छोटा कोण बराबर 81 डिग्री, तो बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, यहां पे ये दोनों क्या हो गए इसका आंसर हो गया। हमें प्रश्न में सिर्फ कोण का था निकालने के लिए, इस तरह से कोण निकलेगा प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 3 का 2 था उसमें यहाँ पे मैंने x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिखा था, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री क्यों लिखे हमने, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे चूंकि संपूरक कोण, इतना लिख के छोड़ देंगे तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि यहाँ पे 180 डिग्री कहां से आया, या आपको भी पता चल जाएगा अगर आप भूल जाते हैं कि 180 डिग्री कहां से आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि संपूरक कोण है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 क्या कहा जा रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है। तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रत्येक मूल्य मतलब एक बल्ला और प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद की कीमत ज्ञात करना है या मूल्य ज्ञात करना है। तो जिसका मूल्य ज्ञात करना होता है या जो भी चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसको तो सबसे पहले हम मानते हैं, तो यहाँ पे हम तो प्रत्येक बल्ले की कीमत और प्रत्येक गेंद की कीमत x और y मान लेंगे, और जिस जिस तरह से हमें प्रश्न बोला गया उस तरह से हम बनाते चल जाएंगे। हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर, यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे क्या, माना एक बल्ले की कीमत और तथा माना एक गेंद की कीमत, लिखेंगे माना
एक बल्ले की कीमत ₹1 तथा एक गेंद की कीमत कितना प्राप्त कितना मारेंगे हम ₹2। अब देखिए हमें प्रश्न से जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हमें करना है। हम लिखेंगे यार सबसे पहले प्रश्न से। प्रश्न में हमें क्या बताया गया है कि क्रिकेट टीम के कोच जब 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदते हैं तो ₹3800 पड़ता है। 7 बल्ले और 6 गेंद, एक बल्ले की कीमत ₹1, तो 7 बल्ले की कीमत 7 गुना x और एक गेंद की कीमत ₹2, तो 6 गेंद की कीमत 6 गुना y और इसी को जोड़ देंगे तो ₹3800 हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 गुना x प्लस 6 गुना y बराबर कितना है ₹3800। यहां से हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये हमने समीकरण एक माना। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे तथा, और हमें प्रश्न में क्या बताया गया, और प्रश्न में हमें बताया गया है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी। तो अब यहाँ पे कितने बल्ले खरीदा है, 3 और 5 गेंद, तो 3 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी, 3 गुना x प्लस 5 गेंद की 5 गुना y बराबर इसका कितना दाम पड़ रहा है ₹1750। यहां से 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से और उसको y समीकरण 2 में रख देंगे ताकि हमें y का मान प्राप्त हो, और जो y का मान आएगा उसे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के x का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर कितना है 3800। यहां से x का मान निकालना है तो 7x को हमने इधर रखा बराबर 6y को हटाना पड़ेगा, तो 3800 ये 6y प्लस में है तो इधर आगे किसमें बदल जाएगा, माइनस में 6y। x बराबर, हमें x का मान चाहिए तो सब कुछ हटाना पड़ेगा, इसमें जो भी चीज गुना में है, भागा में है, जोड़ में है, घटा में, वो सब हटाना पड़ेगा। तो साथ यहाँ पे गुना में, तो गुने की चीज जब बराबर को उछड़ जाती है तो भागा में बदल जाती है, तो यहाँ कितना होगा 3800 माइनस 6y भागा 7। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 का मान। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, यहाँ पे 3x है तो यहां हम लिखेंगे 3x की जगह पूरा चीज उतारेंगे ब्रैकेट के अंदर, 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y बराबर हमारा कितना है 1750। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 3 को सब में गुना करेंगे, तो 3 को जब हम 3800 से जब हम 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 11400 माइनस 3 को एक बार 6y से गुना करेंगे तो 18y बटे 7 और प्लस 5y इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे 1 बराबर हमारा कितना है 1750। अब हमें क्या करना है, 7 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 7 और 1 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 7 और 1 का एलसीएम हमारा 7 होता है। देखें यहां पे जब हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, यहां से 1100 था माइनस 18y था। अब ये जो 7 और 1 है इसका एलसीएम 7 होगा, और 7 को जब 5y से गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस 35y, और बटे में यहां पे कितना है पूरा में 7। मैंने कुछ नहीं किया यहां पे, दिन का जोड़ बस किया है,
सात और एक कैल्शियम लेके सात लिखा, सात के पहाड़े में सात एक बार आता है, एक को इसमें गुना करेंगे तो उतना ही उतरेगा, और बी से प्लस था तो प्लस दे दिए, और एक के पहाड़े में सात सात बार आएगा तो उस सात को जब हम पांच बार से गुना करेंगे तो पैंतीस बार हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 1750। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 11400। अब यहाँ देखिए ये जो 18 वाई है वो माइनस में है और ये 35 वाई है जो प्लस में, दोनों तो वाई है, इसका मतलब दोनों में चर तो समान है, जब चर समान है तो हम इसको जोड़ घटा सकते हैं, यहाँ पे 35 वाई है और यहाँ पे 18 वाई है, तो हम क्या करेंगे एक प्लस में और एक माइनस में है तो हम घटा देंगे, तो 35 में से 18 जाएगा तो हमारा कितना बचता है 17 बचता है, प्लस में 17 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 35 हमारा प्लस में जो बड़ा है उसी का साइन हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 17 वाई बराबर यहाँ पे 1750 उतरा और गुना ये सात भागा में था, हमें हटाना है यहाँ से तो इधर जब चल गया तो किस में चल गया गुना में, यहाँ से उतारेंगे 11400 प्लस 17y। अब जब सात को इसमें गुना करेंगे 1750 गुना सात हमारा कितना होता है 12250 होता है, 1200 नहीं 12250 होता है, तो यहाँ से अब हमें 17y का मान निकालना है, 17y बराबर कितना होगा 12250 माइनस ये 11400 आ जाएगा, 11400 यहाँ से कितना उतरेगा 17y, जब इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ तो 50 आया और यहाँ पे सर कितना आएगा 8 आएगा, तो 17y बराबर हमारा कितना है 850 आया, तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त करना है, तो ये y को जब हम यहाँ रखेंगे बाई तरफ तो 17 इसमें गुना में है तो इधर चक किस में चल जाएगा बराबर उस साइड भागा में, तो 17 से इकट्ठा कितना बार 50 बार घटा पूरा 850, इसका मतलब y का मान हमारा कितना है 50 आया, और y हमने किसको माना था एक गेंद की कीमत मानी थी y रुपया, तो यहाँ पे एक गेंद की कीमत हमारी 50 रुपया है, लेकिन सिर्फ हमें गेंद की कीमत तो ज्ञात नहीं करना है, हमें बल्ले की भी कीमत ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे x बराबर 50 का मान या तो समीकरण एक में रख देंगे या समीकरण दो में रख देंगे ताकि हमें x का मान प्राप्त हो सके, तो यहाँ पे देखिए हम एक लाइन लिखेंगे y बराबर 50 का मान समीकरण एक में रखने पर, हमारा समीकरण एक क्या था, समीकरण एक था हमारा 7x प्लस 6y बराबर 3800 यही था, और इसी में हम क्या रखेंगे y बराबर 50 रखेंगे, फिर देखिए y बराबर जो हम 50 रखेंगे तो यहाँ पे हम क्या पाएंगे 7x प्लस 6y, 6y का मतलब क्या होता है 6y का मतलब 6 गुना वाई होता है, तो 6y यहाँ पे 6 गुना वाई की जगह हम कितना रखेंगे 50 बराबर कितना है 3800, यहाँ से 7x बराबर 3800 माइनस 6 गुना 5 30 और एक जीरो लगा देंगे तो कितना आएगा 300, यहाँ पे 7x बराबर कितना आएगा 3500, x बराबर 3500 बटे 7 का कितना बार कटेगा 7 पचे 35 5 बार में और 2 को 0 उतर गया, तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ x बराबर 500, और x हमने किसको माना था x हमने बल्ले की कीमत मानी थी और y हमने किसको मानी थी गेंद की कीमत, तो अब हम क्या लिखेंगे एक लाइन लिख के खत्म करेंगे, अतः एक बल्ले की कीमत मूल्य जो आप लिखना चाहें कीमत बराबर x माना था हमने और x बराबर 500 है, तो यहाँ पे रुपया का साइन लगाएंगे और लिखेंगे 500 तथा एक गेंद की कीमत क्या माना था हमने y माना था और y बराबर कितना आया था हमारा 50 निकला था y बराबर 50, तो यहाँ पे हम मूल्य का निशान लगाए और यहाँ पे 50 और ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर, ये पूरा कंप्लीट हो गया 3 का 3 नंबर। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 का जो 4 नंबर है उसमें क्या कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिटी है उसमें एक टैक्सी है, टैक्सी वाला क्या करता है कि वो कहता है कि जैसे आपको कहीं भी जाना लेकिन मैं उतना दूर जाऊंगा तो उसका पैसा आपको लगेगा और फिर उससे आगे जाने के बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको रुपया देना पड़ेगा, ऐसे समझ लीजिए जैसे टैक्सी वाले का अपना मनमानी चल रहा है, वो कहेगा कि मैं टेम्पू जो है अपनी टैक्सी जो है
वो अपने अड्डे से जब बाहर निकालूंगा तो उसका पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा, और उसके बाद आपको जितना दूर जाना है उतना दूर आप प्रति किलोमीटर के हिसाब से दे दीजिएगा, कुछ इस तरह से मनमानी चल रहा है टैक्सी वाले का। तो यहाँ क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, मतलब अगर 10 किलोमीटर आप अतिरिक्त जा रहे हैं, नियत भाड़ा भी है और अतिरिक्त भाड़ा भी है, तो 10 किलोमीटर आप जा रहे हैं तो यहाँ 105 रुपया लगेगा, तथा 15 किलोमीटर भाड़ा के लिए 155 रुपया लगेगा। देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग देखें प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न संख्या 3 का 4 है इसमें दो तरह का भाड़ा लग रहा है, एक तो नियत भाड़ा जो आपको लगेगा ही लगेगा, और फिर दूसरा प्रति किलोमीटर के जो पड़ रहा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना पड़ेगा। तो दो तरह के भाड़े लग रहे हैं, तो इन दोनों भाड़ों का क्या करना है, हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो जिस चीज को हमें ज्ञात करना होता है उसे तो हमें मानना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रति किलोमीटर पहले नियत भाड़ा मान लेंगे एक्स, और प्रति किलोमीटर नियत प्रति किलोमीटर भाड़ा हम क्या मान लेंगे, वाई रुपया। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना नियत भाड़ा एक्स रुपया है तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना रुपया, वाई। दो तरह का भाड़ा लग रहा है, एक नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर पर भाड़ा। कि नियत भाड़ा मतलब ऑटो या टैक्सी का चाबी भी देंगे स्टार्ट करेंगे तो इतना रुपया आपको लग जाएगा, फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है वो आप वाई रुपया के हिसाब से देते चलिएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, पहले में कहा गया था कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105, मतलब नियत भाड़ा आपको लगेगा ही लगेगा, और 10 किलोमीटर आपको जाना है तो दोनों जोड़ के 105 रुपया हो रहा है। तो यहाँ नियत भाड़ा एक्स है प्लस प्रति किलोमीटर पर भाड़ा वाई रुपया लगता है, और जा कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 को इससे गुना करेंगे तो 10 वाई हो जाएगा, और बराबर इन दोनों को जोड़ने पर आपको टोटल कितना खर्चा पड़ रहा है, टोटल आपको खर्चा पड़ रहा है 105 रुपया, ऐसा प्रश्न हमें दिया हुआ। तो हमने इसको समीकरण 1 माना, लिखेंगे तथा, और क्या कहा जा रहा है कि दूसरे कंडीशन में हमें कहा गया कि 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए आपको कितना पड़ रहा है, 155 रुपया भाड़ा पड़ रहा है। तो नियत भाड़ा आपको लगेगा ही लगेगा, तो नियत भाड़ा एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए 155, मतलब 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर भाड़ा लग रहा है, तो 1 किलोमीटर पे वाई रुपया लगता है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 गुना वाई लगेगा। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, 15 वाई बराबर इन दोनों को जोड़ने पे आपको टोटल खर्चा कितना पड़ रहा है, 155 रुपया पड़ रहा है। यह हमने समीकरण 2 माना। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105, यहां से एक्स का मान क्या आएगा, 105 माइनस 10 वाई। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, ये हमें x का मान प्राप्त हुआ समीकरण 1 से, अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x बराबर 105 माइनस 10 वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम रखेंगे, समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 15 वाई, यहाँ x की जगह क्या आएगा, 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर कितना है, 155। 105 उतर गया ऐसे ही, ये 15 वाई और ये 10 वाई दोनों में चर का समान लिखा हुआ, चर दोनों में समान है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो घटा देंगे, 15 वाई में से 10 वाई घटा तो कितना है, प्लस 5 वाई
बराबर कितना आएगा 155। यहाँ से हम पांचवाई का मान निकालेंगे, पांचवाई बराबर 155 माइनस 105। ये 105 प्लस में था, इधर आके माइनस में बदल गया। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, पांचवाई बराबर 155 माइनस 105 कितना होता है 50। तो यहाँ से y का मान हमें कितना निकलेगा, y बराबर 50/5, कट के ऊपर नीचे कितना है 10। इसका मतलब प्रति किलोमीटर में भाड़ा हमें 10 रुपया लगता है, 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगता है। अभी तो हमें नियत भाड़ा भी निकालना है, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में बोला गया था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों का मान निकालना है। तो अभी तो हमारा वाई का मान निकला कि प्रति किलोमीटर पे आपको 10 रुपया लगेगा। अब नियत भाड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वाई बराबर 10 का मान, किसी में भी रख देंगे हम, समीकरण एक में रख देते हैं वाई बराबर 10 का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, समीकरण एक हमारा है x प्लस टेन वाई, टेन वाई का मतलब टेन मल्टीप्लाई वाई 10 गुना वाई, और y की जगह हम क्या रखेंगे 10, तो 10 गुना 10 बराबर कितना है 105 है। तो यहां से x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 105 माइनस 10 गुना 10 100, और ये प्लस में था इधर आके माइनस में बदल गया, माइनस है 100, तो x बराबर कितना हुआ 5। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, अतः नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा या प्रति किलोमीटर भाड़ा, सॉरी प्रति किलोमीटर पर नहीं होगा क्योंकि प्रति का मतलब ही पर होता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहां पे भी एक चीज सही कर लीजिएगा, प्रति किलोमीटर पर नहीं, प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्योंकि प्रति का ही मतलब होता है पर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा। यहाँ पे प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें क्या, वाई वाई का मान हमारा 10 रुपया आया था, तो वाई बराबर कितना 10। ये तो एक उत्तर हुआ, हमें दूसरा भी प्रश्न का आ गया, और दूसरा प्रश्न क्या है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हमें क्या पूछा जा रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए हमें कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तथा 25 किलोमीटर यात्रा करने पर लगा भाड़ा 25 किलोमीटर। एक बात बताइए, 25 किलोमीटर जो यात्रा तय करना है, तो इससे भी हमें दो तरह का भाड़ा देना पड़ेगा। पहला भाड़ा क्या, नियत भाड़ा, जो देना ही देना है आपको, चाहे आप जाइए कि नहीं जाइए, कि आप सिर्फ ऑटो में बैठे उतर जाइए, वो नियत भाड़ा है, वो देना ही पड़ेगा। तो नियत भाड़ा हमारा क्या है, हमारा 5 है। तो या तो हम ऐसे लिखते हैं कि नियत भाड़ा एक्स देना पड़ेगा प्लस 25 किलोमीटर यात्रा तय करना है, तो प्रति किलोमीटर पे कितना भाड़ा लगता है, वाई माने थे हमने, यहाँ पे वाई माना था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25y। अब यहां से हम हल कर दें, इस तरह से भी हल कर सकते हैं, एक्स बराबर 5 लिखेंगे प्लस 25 गुना वाई की जगह हम 10 लिखेंगे, तो 5 प्लस 250 बराबर कितना होगा 255 रुपया। यहाँ आगे रुपया का साइन देंगे, ये हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ, एक उत्तर ये और एक उत्तर ये। तो ये क्या था, प्रश्न संख्या 3 का 4 था, पूरी तरह से मैंने आपको समझा दिया। यहाँ कुछ करना नहीं था ज्यादा, बस दो तरह का भाड़ा हमें मानना था, पहला नियत भाड़ा और दूसरा प्रति किलोमीटर पे भाड़ा। नियत भाड़ा हमने एक्स माना और प्रति किलोमीटर पे भाड़ा हमने क्या माना, वाई माना। और प्रश्न में बोला गया था कि 10 किलोमीटर आप लोग चल रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। तो नियत भाड़ा जुड़ेगा उसमें, हमेशा जुड़ेगा नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप जितना जा रहे हैं उस हिसाब से, जैसे 10 किलोमीटर गए तो 10 गुना वाई कर दिए, तो 10y x प्लस 10y बराबर हमारा कितना हो गया 105 हो गया। इसी तरह हमने समीकरण 2 बनाया था, समीकरण 2 में नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो था वो y था, तो x प्लस 15 किलोमीटर जा रहे थे, तो x प्लस 15y बराबर हमारा टोटल कितना रुपया पड़ा था 155 रुपया। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके हमने y का मान निकाला, x का मान निकाला, और हमारे क्वेश्चन में दो प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तथा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए लगा भाड़ा कितना भाड़ा लगेगा, तो दोनों का आंसर इस तरह से निकलेगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का 5 नंबर। देखिए प्रश्न संख्या 3 का 5 में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए
तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है, हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न जो है वो हमारे दो चीज से मिलकर बना रहता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भिन्न बराबर हमारा होता है अंश बटे हर। तो यहाँ पे हम अंश अलग मानेंगे एक्स और हर अलग मानेंगे, जो कि मानेंगे वाई। और जिस तरह से हमें प्रश्न में बोला गया उस तरह से हमें करना है। दो रैखिक समीकरण बनेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे, और भिन्न बराबर क्या होता है एक्स बटे वाई, अंश बटे हर, और अंश को हमने एक्स माना था और हर को वाई, तो एक्स और वाई का मान रख के यहाँ पे उत्तर हमें आ जाएगा। तो देखिए 3 का 5 नंबर हम किस तरह से हल करेंगे। हमें भिन्न का क्या निकालना है, भिन्न ज्ञात करना है, तो हम क्या मानेंगे, माना 3 का 5 नंबर देख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर कितना मानेंगे हम वाई। अंश और हर हमने मान लिया, अब हम लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से हमें क्या पता करना है एक्स और वाई, मतलब दो रैखिक समीकरण बनाने। और प्रश्न हमें बोला भी गया था कि जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो वह फिर 9/11 हो जाता है। तो भिन्न हमारा अंश एक्स है जब एक्स में 2 जोड़ देंगे, और हर हमारा वाई है जब वाई में 2 जोड़ देंगे, तो ये बट्टे होके कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, भिन्न बराबर भिन्न कर दिया बस। 2 जोड़ने पर ऊपर 2 जोड़ते हैं तो 9 होता है, और नीचे 2 जोड़ते हैं तो 11 होता है। तो यहाँ पे x प्लस 2/y+2 बराबर क्या हो गया 9/11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, x को एक बार इससे गुना करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं अच्छे से, x गुना क्या होगा, x 11 गुना x+2 बराबर, और 9 को गुना करेंगे y+2 से। इस तरह से हमने क्या किया, कोना कोनी गुना कर दिया। 11 को एक्स में गुना करेंगे, 11x+11 को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 22 बराबर 9 को वाई से गुना करेंगे 9y+9 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 18। अब एक्स और वाई हम एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ 11x-9y बराबर ये जो अचर मान है वो हम उस साइड भेज देंगे, एक साइड कर देंगे, तो यहाँ कितना होगा 18+18 यहाँ उतरा, और ये प्लस में 22 था तो यहाँ जाके माइनस में 22 हो जाएगा। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 11x-9y = 18 में से 22 गया तो 4, ये हमारा समीकरण 1। अब हम लिखेंगे तथा, तथा प्रश्न में हमें जैसे कहा गया था वैसे और करेंगे और दूसरा समीकरण भी हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे हमें क्या कहा गया प्रश्न में कि जब हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो वो फिर 5/6 हो जाती है। तो अंश में 3 जोड़ना है, हर में भी 3 जोड़ना है, अंश हमारा x और x में 3 जोड़ेंगे तो x+3/ क्योंकि भिन्न निकालना है तो बटे y हर है हमारा और हर में भी 3 जोड़ेंगे तो y+3 बराबर कितना हो रहा है 5/6 होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोना कोनी गुना करेंगे, 6 को गुना करेंगे एक बार x+3 में बराबर, और y को गुना करेंगे हम ये नीचे वाले नंबर में y+3 से। यहाँ पर 6 को x से गुना किया कितना हुआ 6x+6 को 3 से गुना किया 18 बराबर, 5 को y से गुना किया 5y+5 को 3 से गुना किया कितना हुआ 15। यहाँ हो जाएगा 6x+5y है, देखिए x और y ये जो जितने भी हमारे चर मान होते हैं उसको बाई तरफ रखते हैं और अचर को दाई तरफ, तो 5y हमारा प्लस में इधर आके किसमें चल गया माइनस में 5y बराबर, यहाँ पे 15 था 15 उतार दिए माइनस, ये +18 इधर आके किसमें चल गया -18 बराबर, 6x-5y = 15 में से 18 के कितना आया -3। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करके
प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है, अगर हमें आगे और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो हम एक बार लिखते हैं समीकरण एक से, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या है 11x - 9y बराबर कितना है -4। यहां से हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो x को बाई तरफ रखेंगे बराबर, ये 9y माइनस में है तो उधर जाके प्लस में बदल गया, तो या तो हम इस तरह लिख दें 9y - 4 या फिर इस तरह से लिख दें -4 + 9y, दोनों बात बराबर ही होती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9y - 4 लिख दिए। अब x का मान निकालने के लिए x को पूरी तरह से स्वतंत्र करना पड़ेगा, तो यहाँ 11x है मतलब 11 गुना x है, तो 11 गुना में है तो इधर जाके किसमें बदल जाएगा भागा में 9y - 4/11। अब हम क्या करेंगे x बराबर, ये जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है समीकरण एक से प्राप्त हुआ है, तो इस x के मान को हम समीकरण दो में रख देंगे, x बराबर क्या होगा 9y - 4/11 का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो हमारा क्या है 6x - 5y - 3 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे 6 गुना x की जगह ये सब उतार देंगे 9y - 4/11 और फिर उसके बाद -5y उतार दिए बराबर कितना है समीकरण दो में -3, यहां से -3। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, 6 को जब 9 में गुना करेंगे तो 54 और y लगा दिए, 6 को जब -4 में गुना करेंगे तो -24/11 - 5y, 5y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर कितना है -3। यहां 11 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 11 प्राप्त होगा, यहां पे 54y - 24। अब इस 11 देखिए 11 और 1 का एलसीएम हमने लिया तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार आएगा, तो 1 को जब हम इस पूरे में गुणा करेंगे 5y - 24 में तो वही रहेगा सेम उतना ही उतरेगा 5y - 24। अब हम क्या करेंगे 11 को जब 1 से भाग लगाएंगे तो 11 आएगा और उस 11 को जब 5y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बीच में माइनस था माइनस उतार दिया -55y बराबर कितना है -3। यहां से क्या प्राप्त होगा 54y - 24 - 55y बराबर 11 को -3 से गुणा करेंगे -33। यहां से हम प्राप्त करेंगे -54y और -55y, जब घटेगा तो कितना आएगा -y आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और बड़ा का जो चिन्ह होता है वही उत्तर में आता है, तो उत्तर में भी क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे बराबर हम करेंगे -33, ये -24 उधर गया तो +24 हो गया, तो यहां से हमने क्या प्राप्त किया कि हमारा -y बराबर कितना है -33 और +24, घटाएंगे तो कितना होगा -9 होगा, माइनस से माइनस कटा इम्प्लीज दैट वाई बराबर हमारा कितना है 9 है, तो देखिए वाई बराबर जो हमारा 9 आया है, अब इसी वाई बराबर 9 को हम क्या करेंगे समीकरण एक में दो में जिसमें रखना चाहे उसमें रख सकते हैं, हम क्या करेंगे लिखेंगे y बराबर 9 का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे तो क्या था हमारा समीकरण 11x, यहां देखिए समीकरण एक लिखा भी है 11x - 9y - 4, तो 11x उतरा -9y की जगह 9 देंगे और बराबर -4, -9 × 9 = 81, तो -81 = -4। यहां से हम जब करेंगे 11x बराबर, हमें x का मान निकालना है तो x को बाई तरफ रखना पड़ेगा, 11x बराबर यहां पे कितना हो जाएगा -4 और +81, 11x = -4 + 81 घटा के कितना होगा 77, तो x बराबर क्या होगा 11 कट के कितना बार आया 7 बार, तो यहां से हमें x बराबर 7 हुआ और 7 प्राप्त हुआ और y बराबर 9 प्राप्त हुआ, तो हम क्या हमें तो भिन्न निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे अतः
भिन्न, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है, क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश हमारा कितना आया, अंश हमने x माना था और हर हमने y माना था, बराबर 7/9, x की जगह 7 दे दिया और y की जगह 9, तो x भिन्न बराबर हमारा 7/9 हमारा ये क्या है, आंसर है। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का 6 नंबर, जब हम प्रश्न संख्या 3 का 6 पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं, आयु से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, वर्तमान आयु ही मानते हैं। जैसे इसमें दो आदमी दिया गया, पहले जैकब और उसके उसका पुत्र, मतलब जैकब और पुत्र, तो यहाँ जैकब की वर्तमान आयु हम x मानेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, y वर्ष मानेंगे, तो यहाँ वर्तमान आयु मान लिया। अब जैसे जैसे हमें प्रश्न में कहा गया वैसे वैसे हम करते चलेंगे, यहाँ क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद, तो एक बात बताइए, अगर कोई आदमी अभी 10 साल का है तो 5 साल बाद 10+5 15 साल का हो जाएगा, लेकिन हमने तो 10 और 15 माना नहीं, हमने जैकब बराबर x वर्ष माना, तो 5 साल बाद क्या होगा, x प्लस 5 वर्ष। और इसी तरह जब उसके पिता की आयु, जैकब की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, तो पुत्र की भी आयु क्या हो जाएगी, y माने थे तो y प्लस 5। इस तरह से हमें जिस जिस तरह से कहा जाएगा उस तरह से करना है और रैखिक समीकरण बनाना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इसका हल करेंगे, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 का कितना नंबर, 6 नंबर। तो देखिए मैंने आपको बताया कि आयु से संबंधित प्रश्न में हमें वर्तमान आयु माननी पड़ती है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। अब जिस तरह से हमें प्रश्न में कहा गया हमें वैसे ही करना है, प्रश्न में क्या कहा गया, 5 वर्ष बाद की स्थिति हमें बताई गई है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष बाद हम लिख के निकाल ही लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब की आयु, अगर कोई आदमी x वर्ष का अभी है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, बाद का मतलब जोड़ना होता है और पूर्व या पहले का मतलब घटाना होता है, तो यहाँ पे बाद मतलब जोड़ना, तो कितना जोड़ रहे हैं, 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 5 तथा पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद, तो दोनों के लिए हो जाएगा ना, ये थोड़ी ना होगा कि पुत्र y वर्ष का पहले भी था और अभी भी 5 साल बाद ही y वर्ष का होगा, नहीं, पुत्र की भी आयु बढ़ेगी, तो पुत्र भी क्या हो जाएगा, x प्लस 5। अब देखिए हमें क्या कहा गया, हमें प्रश्न से जो संबंध बताया गया वो हम लिखेंगे, प्रश्न से प्रश्न में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था जिसमें से शब्द का प्रयोग होता है उसी में हम गुना भागा जोड़ घटा सब कुछ करते हैं, तो यहाँ से शब्द क्या लिखा हुआ, उसके पुत्र से, उसके पुत्र से, तो यहाँ पुत्र में से लगा हुआ है, तो यहाँ पे पहले जैकब की आयु लिखेंगे 5 वर्ष बाद की x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 और इससे मतलब पुत्र से इसमें तीन गुना कर देंगे और दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 3y
प्लस 5 को 3 से गुणा किया कितना है 15। यहां से होगा x, ये 3y प्लस में है तो घटा के इधर आ जाए तो घटा में चल जाएगा तो माइनस 3y बराबर, ये 15 था और ये 5 प्लस में था तो 15 तो यही रहेगा और ये 5 प्लस में था तो इधर आके माइनस बदल गया। यहां से क्या लिखेंगे x प्लस 3y बराबर 15 माइनस 5 कितना हुआ 10, ये हमने समीकरण क्या माना 1 माना। अब इसी तरह 5 वर्ष 5 की स्थिति दी गई थी, फिर आगे हमें क्या दी गई है, आगे हमें 5 वर्ष पूर्व की स्थिति दी गई है तो यहां पे हम लिख लेते हैं तथा 5 वर्ष पूर्व। मैंने आपको क्या बताया, बाद का मतलब जोड़ और पूर्व का मतलब घटा, या पहले का मतलब क्या होता है घटाना, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु अभी x वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 होगा, इसमें से घटाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 5 वर्ष बाद की स्थिति है, हम जो भी जोड़ते हैं या घटाते हैं वो वर्तमान आयु से ही संबंधित करके घटाते हैं, उसी को सापेक्ष मान के घटाते हैं। तो जैकब की आयु x माइनस 5 तथा पुत्र की आयु भी 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, अभी वाई है तो 5 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 5 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, हमें क्या कहा गया प्रश्न में, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है, किसकी 7 गुनी हो जाती है, पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु हमारी वाई माइनस 5 है तो इसी में हम 7 गुना करेंगे बराबर करने के लिए, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 पुत्र की आयु इसकी भी x माइनस y माइनस 5 की 7 गुनी हो जाती है, 7 गुना इसमें किया और बराबर कर दी। यहाँ पे हम क्या पाएंगे x माइनस 5 बराबर 7 को y में गुना किया तो 7y और माइनस 7 को 5 से गुना किया तो माइनस 35। यहाँ x ये 7y प्लस में तो इधर आके माइनस में बदल जाएगा, माइनस 7y बराबर ये माइनस में 35 है और ये माइनस में 5 है, उधर जाने के बाद ये प्लस में 5 हो जाएगा तो माइनस का 35 और प्लस का 5 हमारा कितना होता है माइनस का 30 होता है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे माइनस का 30 और ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके x और y का मान ज्ञात करना है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है x माइनस 3y, ठीक है ना, x माइनस 3y बराबर 10 है, यहां से हमें x का मान निकालना है तो x बराबर क्या होगा 10 प्लस 3y, ये x का मान जो हमें प्राप्त हुआ समीकरण 1 से इसका मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे x की जगह, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे x बराबर 10 प्लस 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो था वो हमारा क्या था x माइनस 7y बराबर माइनस 30 था, क्या था x माइनस 7y बराबर माइनस 30, हमें x की जगह क्या रखा है x 10 प्लस 3y माइनस यहां से 7y उतरा और बराबर माइनस 30 यहां उतर गया, यहां 10 प्लस 3y और माइनस 3 माइनस 7y जब करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4y आएगा बराबर माइनस 30, यहां से क्या आएगा माइनस 4y बराबर माइनस 30, ये जो प्लस 10 है उधर जाके माइनस में 10 बदल गया, यहां से हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 कितना हुआ माइनस 40, माइनस से माइनस कटा और 4 से ये 40 कटा कितना बार 10 हुआ, तो यहाँ y बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ, जो कि हमारी किसकी उम्र थी उसके पुत्र की जैकब की पुत्र की उम्र थी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे y बराबर 10
का मान समीकरण, या तो एक में रख दें या तो दो में, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर है 10। यहाँ पे x रखेंगे माइनस 3, y की जगह कितना रखेंगे 10, 3 गुना 10 बराबर कितना है 10। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x बराबर ये 10 यहाँ उतरा और ये माइनस 30 हो गया, 3 गुना 10 30 होता है, और ये माइनस था तो माइनस का 30 बराबर के उठ जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 40। तो हम क्या लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमारा कितना है, एक्स हमने माना था और एक्स कितना आया 40, तो जैकब की वर्तमान आयु कितना होगा 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हमने वाई माना था और वाई का मान यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ था 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का 6 का 6 प्रश्न मैंने आपको बता दिया और शायद ये प्रश्न वाली भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोज आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने इसका बेल आइकन दबा रखा है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है बिहार स्टेट टेस्ट बुक, अगर आप उसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो जरूर जुड़िए। कैसे जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करिए, उस वीडियो एक ओपन होगी, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप किस तरह से टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं PDF डाउनलोड करने के लिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।